गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज है संडे और संडे मॉर्निंग को ही हम लोग एक काम निपटाने के लिए निकल चुके हैं। ये काम एक्चुअली बहुत टाइम से पेंडिंग था। कल अंगद ने एकदम ठान ली थी कि करना ही करना है, पर मैंने कल भी टाल दिया, पर आज सक्सेसफुल नहीं हो पाई मैं और जाना पड़ रहा है। एक्चुअली अंगद के रूम का जो फैन है ना, वो चेंज करना है हम लोगों को। एक तो उसमें से आवाज बहुत आती थी अजीब टाइप की, तो उसको हमने सोचा कि पहले रिपेयर कर लेते हैं, पर बाद में अंगद जी का जो टेक्नो वाला ब्रेन है ना, तो अंगद ने बोला कि काम करते हैं ना, फैन चेंज करते हैं। और मैं लेना चाहता हूँ रिमोट वाला फैन। बहुत टाइम से इसको रिमोट वाला फैन लेने का मन था और इस बार उसके पास वैलिड रीजन था एक्चुअली। तो जो वो मीटिंग करता है ना, तो अपना ऑफिस रूम से करता है, तो कई बार क्या होता है पंखे की बहुत आवाज आ रही होती है तो उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, तो फिर या तो उठ के उसको कम करता है या तो मुझे चिल्ला के बोलता है फैन कम करो, फिर फैन तेज कर देता है। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम इसको होती है। तो उसने कहा मैं लूंगा तो अब रिमोट वाला लूंगा, ताकि मैं वहीं से ऑपरेट कर लूं तो वो हो जाएगा। एक्चुअली ना ये रिमोट वाला फैन का चस्का ना, इसको घर जब बन रहा था याद है, तभी भी कितना ये मुझे कन्विंस करता था कि रिमोट वाला ही लेते हैं। पर मुझे प्रॉब्लम इस बात की थी कि अगर रिमोट वाला लेंगे तो फिर रिमोट ये अपने हाथ में कर लेगा, और फिर बेडरूम में जो फैन का इश्यू था ना, मुझे ना एक्चुअली चाहिए रहता है कि फुल स्पीड में फैन घूमे जब मैं रात को सो रही होती हूँ, और इसको चाहिए कि बहुत ही कम हवा है। पर अगर रिमोट दे देंगे तो फिर ये छुपा देगा और इसकी चलेगी, तो मैंने नहीं लगवाया था। पर अभी ऑफिस रूम में तो मेरा कोई नुकसान है नहीं, इसका फायदा है तो ठीक है। तो बेसिकली वही करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ज्यादा रश हो गया है ना बैंगलोर में, बताइएगा आप लोग भी अगर ये चीज महसूस कर रहे हैं या नहीं। या तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों को आदत लग गई थी बहुत कम लोगों को देखने की, आराम से सड़कें खाली, जगह खाली, तो अभी लॉकडाउन खुल गया, सब लोग वापस आ गए, ऑफिसर्स ने बुला लिया, उसका रश है या क्या है। पर थोड़ा सा ना मुझे अननेचुरल रश लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है ना जहां बहुत बार गए हुए हैं पहले से और इतना भीड़ नहीं होता है ना, पर अब इतना ज्यादा भीड़ मिलता है ना कि क्या ही बताएं। अभी जिस साउथ इंडियन होटल में गए थे ना, ये हम लोग शुरू से जाते आ रहे हैं, इतना भीड़ कभी नहीं देखा कि खड़े होने की भी लिटरली जगह नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वीकेंड आते ही सब लोग बस ये ठान लेते हैं कि घर से बाहर निकलना है, पक गए हैं लोग घर में रह रहे के, है ना, ऐसा लगता है। वैसा ही हाल है सच में, मतलब खींच रहे लोग, ये मेरा प्लेट है, ये मेरा प्लेट है, वो हाल था। और होता है ना ऐसे वाले, मतलब जो भी आप आइएगा ना होटल में, तो वहाँ पे चेयर जो होता है वो शेयर्ड रहता है, मतलब एक टेबल में चार लोग भी अलग अलग खाते हैं बैठ करके। तो अगर आप दो लोग बैठ के खा रहे हैं तो बाजू वाला जो खड़ा है ना, उसका नजर आपके प्लेट पे ही रहता है कि कब इसका खाना खत्म हो और इसका चेयर मैं खींचूं। तो क्या हुआ ना, अंगद ने खा लिया, फिर गया वो कॉफी लेने के लिए, जूस लेने के लिए, तो बाजू में एक लेडी बैठी थी, उसके हस्बैंड बेचारे खड़े थे, तो उसका ध्यान, कितनी बार उसने मेरे प्लेट को देख लिया कि औरत जल्दी खाना क्यों नहीं खा रही है, कब खत्म करे, तो हम लोग बैठे, इतना ज्यादा एंजाइटी हो जाती है ना। और मुझे भी लगा था कि चलो मैं बेकार का कॉफी पी रही हूँ, इनका चेयर खींच के रख लिया। तो इतना रश हो गया है बैंगलोर में, बताइए अगर आप लोग भी सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर हम ही लोग बिजी एरिया में रहते हैं, ये भी हो सकता है कि हमारे तरफ बहुत रश हो गया है। तो घर से ही अंगद रिसर्च करके आया था, उसे एटम बग का ही फैन चाहिए था। इसमें स्मार्ट रिमोट भी आ जाता है, दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, और साथ ही साथ में इसमें बिजली की बचत भी आपकी हो जाती है। तो हम लोग बस ढूंढ रहे थे कि कोई शॉप मिल जाए जहाँ पे हमें इसका डेमो मिल जाए। ओक वुड नहीं है ये, नेचुरल ओक वुड है, नेचुरल ओक वुड है। तो हमारे वाले ओक वुड प्लान कर रहे हैं। हमारे में ओक वुड जाएगा नहीं, ओक वुड मतलब गोल्डन ओक वुड, गोल्डन ओक वुड ये वाला बहुत अच्छा लगेगा, ये वाला। और इसमें इतने सारे वैरायटी आते हैं? हाँ, बहुत सारे आते हैं, कलर ग्रे आता है, पर्ल व्हाइट है, अर्थ ब्राउन, मेटलिक गोल्ड। के अंदर आपको गोल्डन ओक वुड, नेचुरल ओक वुड, अर्थ ब्राउन व्हाइट ये आ रहा है। बाद में आपको नॉर्मल में चाहे तो पूरा कलर आ रहा है, रेनेसा प्लस करके इसमें पूरा कलर आएंगे आपको। फीचर्स दोनों में सेम ही है, सेम ही है, मतलब इसमें स्मार्ट में आके आपको अलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, विद मोबाइल ऐप से कंट्रोल है, विद रिमोट। इसमें ओनली आपको रिमोट ही आएगा। अच्छा, ओनली रिमोट। फैन से कंपैरिजन में दूसरा फैन में क्या बेनिफिट है इसमें? पावर सेविंग वगैरह, पावर फैन रहा है कि आपको 72 से 80 वाट्स पावर देता है। हाँ, या कि आपको 28 वाट पावर लेगा। ओके, और इसका ऑपरेशन मेरे को एक डेमो दिखा दो कैसे होगा। ऑपरेशन है कि इसमें 5 स्पीड कंट्रोल है, हाँ, एक बूस्ट है,
ओके रिमोट कलर इसमें आपको टाइमर सेटिंग 8 आवर्स टाइम सेट किया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ओके ये एलईडी इंडिकेशन से ओके आपको जो स्पीड कंट्रोल रहेगा फिर भी स्पीड ज्यादा बढ़ेगा फिर भी स्लो होगा वो नॉर्मल जो पेड़ का थोड़ा देर फास्ट होता है थोड़ा देर स्लो होता है पेड़ का हवा आता है ना हाँ, हाँ, उस टाइप का देता है ओ, ओके। स्लीप मोड में वो ऑप्शन है और डीसी मोटर का क्या सेट सब है इसमें डायरेक्ट पावर रहेगा जो नॉर्मल के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस होता है पावर सेविंग में वो डीसी मोटर में वाइंडिंग पर आपको कॉपर वाइंडिंग दिया रहता है और नॉर्मल फैन में आपको कैपेसिटर डालते हैं ऑर्डिनरी फैन या ग्रे है इतना कंजम्पशन करता है इसमें काफी कम हो जाता है 28 वर्सेस 75 वाट लेना ना फाइनल है ना हाँ, चाहिए रिमोट चाहिए ही चाहिए उठ के अब स्विच ऑन ऑफ करना बहुत कष्ट हो रहा है अपनी एलईडी चाहे तो रख सकता है क्योंकि एलईडी काटते हैं पूरा ऐसा ऑन करते तो पूरा पहिया लाइट ऑफ होगा बंद करके फिर ऑन करने तो फर्स्ट में आपको इंडिकेशन दिखाएगा तो हमने सारा डेमो वगैरह देखा तो पावर सेविंग बहुत अच्छा है इसमें और बहुत सारे और भी हमें बेनिफिट्स दिख रहे थे तो फाइनली हमने हमारे इंटीरियर पे जो मैच करेगा वो वाला फ़ैन डन कर दिया उसके अलावा ये शॉप में ना बहुत सारे इंटीरियर की भी चीज़ें थी सोफ़ा शैंडलियर्स लाइटिंग्स तो थोड़ा देर हमने वो एक्सप्लोर किया क्योंकि बहुत ही बड़ा शॉप था ये तो अच्छा था सरजापुरा पे पड़ता है एक्चुअली ये शॉप तो यहाँ पे हमने कुछ टाइम और भी स्पेंड किया सोफा वगैरह देखने पे उसके बाद में फाइनली जो हमें लेना था वो वाला ले लिया है अब इसे घर जाके करवाना है इंस्टॉल तो इलेक्ट्रिशियन से बात करी हमने वहीं से फ़ोन करके तो उसने बोला है कि वो दोपहर तक आएगा तो आज के आज ही ट्राई करेंगे कि ये इंस्टॉलेशन भी हो जाए तो हो गया यहाँ का काम अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग घर ही जा रहे हैं क्या कुछ और तो काम नहीं है ना एक बार मैं निकली हूँ सब निपटा लूंगी कुछ है तो बताओ नहीं अभी घर जाएंगे फिर इंस्टॉलेशन भी करना है ना हाँ आज के आज कर लेंगे तो सही रहेगा ना वरना फिर मंडे से अंगद का ऑफिस तो उस रूम में अंगद बैठा रहेगा तो इसलिए आज का दिन इंस्टॉल कर देंगे और जो ऑलरेडी फैन था ना जो अभी हल्का हल्का अजीब सा आवाजें आ रही थी उसमें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है ना जो लगा के जाएगा उसने बोला कि वो फैन ले लेगा क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं इंस्टॉल करने में काम आ जाता है तो वो हम लोग उनको दे देंगे उसके बाद अंगद अपने हाथ में भले टीवी का रिमोट आए ना आए फैन का रिमोट मेरे हाथ में आने ही नहीं वाला सबके घर में ये होता होगा बताइएगा मुझे कमेंट करके किसके किसके हस्बैंड के हाथ में रिमोट नहीं रहता है टीवी का बताइए और हमेशा आपके हाथ में रहता है मेरे घर में तो मेरे हाथ पे रिमोट रहता है अगर मैं नहीं हूँ तो ही शायद अंगद के हाथ में आएगा पर ये रिमोट जो मैंने तुम्हें दिया कंट्रोल पूरा अब 1 पे रखो 5 पे रखो 3 पे रखो मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाली लेकिन मास्टर बेडरूम का जो फैन है उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है क्योंकि वो आपको पता ही है ना मैंने कहाँ स्विच उसका डलवाया है ऐसी जगह डलवाया है उसका स्विच जहाँ पे इतना कष्ट होता है अंगद को ऑन ऑफ करने में कि वो छूता ही नहीं अभी बज रहे सिर्फ 11:30 और इतनी जल्दी फटाफट हम लोग अपना काम निपटा कर घर आ गए ये मेरा किचन बुला रहा है फिर से कितना क्लीन है क्योंकि नाश्ता भी नहीं खाया ना नाश्ता भी बाहर ही खाया है तो लंच बनाने के लिए अब मुझे ये किचन बुला रहा है और लंच में मैं बनाऊंगी सबसे पहले तो दाल तो चढ़ा ही देंगे ये इतना बड़ा एग स्टोर करने का डब्बा तो हमने ले लिया था ना पर कभी भी इतने सारे अंडे हमारे घर में हो ये बहुत ही रेयर साइट होता है मोस्टली हम लोग 6 अंडे ही मंगाते हैं और ये 6 अंडा जो है हमारा लगभग 1 वीक से ज्यादा ही चल जाता है तो कभी भी ये भरता नहीं है पर हाँ फ्रिज में बहुत ज्यादा जगह लेता है काश ये इतना बड़ा सा आ रहा होता ना ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स तो ज्यादा अच्छा रहता पर मुझे वैसा कुछ मिल नहीं रहा था जो अच्छे क्वालिटी का हो तो मैंने ये बड़ा वाला ले लिया वुडन वाला लिया है तो ये वाला जो है अंगद के ऑफिस रूम के साथ में अच्छा भी जाएगा क्योंकि मेरे वार्डरोब में मैंने ऐसे ही टाइप का वुड का यूज भी किया है प्याज को ना फाइनली चॉप नहीं किया है क्योंकि इसका मुझे बाद में पेस्ट बनाना है We'll be right back.
चुका है इंस्टॉल फाइनली, पावर बटन ऑन किया और ये ऑन हो गया। और इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो मुझे बताया था दुकानदार ने, मुझे पता नहीं था, वो ये है कि इसमें ना एक ऐसा स्पीड मोड है ना जिसमें कि वो नहीं होता है पेड़ की जो हवा चल रही होती है बढ़ती है घटती है, हाँ, ये वाला मोड, तो वो ऐसा मोड है इसमें। एक थोड़ी देर बढ़ेगा, थोड़ी देर मतलब एक दो सेकंड बढ़ेगा, एक दो सेकंड कम हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपको बाहर में जो हवा चल पेड़ है, की हवा आ रही है। टाइमर भी सेट कर सकते, हाँ ये अच्छा है। 1 आवर एक एलईडी हुआ तो 1 आवर, दो एलईडी तो 2 आवर, लाइक एन एसी, मतलब एसी जैसा ही। तो गुड जॉब। तो इनकेस अगर आप लोग में से कोई लेना चाह रहे हो ना, तो वैसे तो हम तो दुकान से जाकर लाए हो, तो आपको लोकली भी किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, पर आपको एक लिंक दे देंगे ढूंढ करके अंगर जी, कुछ लिंक हो तो जहाँ से आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अदरवाइज दुकान जाइए और डेमो देख के मस्त में खरीदिए जैसे हमने खरीदा है। आज ना मेरा मन था मटन बनाने का, बहुत टाइम हो गया घर में मटन नहीं बनाया, और घर की मटन की बात ही कुछ और होती है, लेकिन बाहर जाना था तो एक आइडिया था कि आने में लेट हो जाएगा, कब आएंगे कब बनाएंगे, टाइम लगता है, मतलब अच्छे से अगर आपको बनाना हो मटन तो आपको स्लो कुक करना पड़ता है, तो एक तरीके से ही काम चलाना पड़ जाएगा। नेक्स्ट वीकेंड देखती हूँ। वैसे एक क्वेश्चन है जो मुझे आता है, एक नहीं इनफैक्ट दो क्वेश्चन मुझे आते हैं जब भी मैं नॉनवेज की बात करती हूँ या दिखाती हूँ बनाते हुए। वो एक तो आता है जिनको पता है कि मैं ब्राह्मीण हूँ, तो वो पूछते हैं आप ब्राह्मीण होकर नॉनवेज खाते हो, और दूसरा बहुत फ्रीक्वेंटली जो आता है वो अंगद के बारे में आता है कि अंगद गुजराती होकर नॉनवेज खाते हैं। तो इन दो क्वेश्चन का जवाब मैंने व्लॉग में प्रॉपर नहीं दिया है, हाँ कई बार कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे बारे में, तो मैं बता दूं हम लोग मैथिल ब्राह्मण्स हैं, तो ब्राह्मण्स में बहुत तरह के ब्राह्मण्स होते हैं। देखिए ये जो खाना पीना है ना, ये एक्चुअली मैटर करता है कि आप जिस ज्योग्राफी में पैदा हुए हैं ना, उस ज्योग्राफी में बहुत कुछ मैटर करता है। जैसे अगर आप कोस्टल साइड में पैदा हुए हो तो आप कोस्टल फूड खाओगे, हाँ, पर ऐसा नहीं है कि हर मैथिल ब्राह्मण नॉनवेज खाता है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं मैथिल ब्राह्मण्स की जो नहीं खाती है, तो ये चॉइस ऑफ फूड हो गई। पर क्या खाया जाता है, हाँ जी बिल्कुल खाया जाता है, स्पेशली फिश को तो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, मटन भी खाते हैं, और चिकन जो है वो चॉइस है, जिसको अच्छा लगे उसको खाया जाता है। तो ये हो गया मेरा वाला आंसर। अभी अंगद का जो है वो बताती हूँ। तो अंगद गुजराती है, गुजराती में तो नहीं चलता है बिल्कुल भी, हमारे में तो चलता है, गुजराती में नहीं चलता है। तो ये मेरा लक है कि अंगद मुझे मिले जो गुजराती होके भी खाते हैं। तो जैसे आपने गुजरात सीरीज में देखा होगा कि अंगद के पापा का जो बिजनेस है वो उनके दादाजी ने सेट किया था, मतलब अंगद के दादाजी ने, अंगद के पापा ने सेट किया था, जो आपको ऑयल का बिजनेस दिखाया राजमोती, तो ऑब्वियसली पापा ने सेट किया था, और पापा के जितने भी दादा के जितने भी बेटे थे उनको वो बिजनेस ही ज्वाइन करना था कॉलेज खत्म करने के बाद। तो अंगद के जो बाकी चाचा लोग थे ना, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, पर अंगद के पापा का मन था कि वो जॉब करे। इंजीनियरिंग करने के बाद में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई, अफ्रीका में जॉब लग गई उनकी कुछ सालों के लिए, तो वो अफ्रीका चले गए। तो अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने नॉनवेज एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि वहां तो मिलता है बहुत इजिली, वहां पे लोग वही खाते हैं। और जब वो वापस आए, मतलब फाइनली वहां का जॉब छोड़कर, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है, तो उन्होंने भी कुछ ही साल जॉब किया, फिर फैमिली बिजनेस में आ गए। पर जब वो वापस आए राजकोट, तो उन्होंने अपनी फैमिली को, मतलब अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को, जब अंग छोटा था तो अभी वहां तो मिलता नहीं है गुजरात में नॉनवेज, जैसे गोवा गए, ये लोग मुंबई बहुत फ्रीक्वेंटली जाते थे, तो गोवा में मुंबई में नॉनवेज खिलाना स्टार्ट कर दिया। बाद में अंगद की कॉलेज थी मैंगलोर से, उसने किया इंजीनियरिंग, तो जब वो कॉलेज आया तब तो बिल्कुल फ्रेंड सर्कल में सब लोग खाते थे, तो उसने सी फूड भी खाना स्टार्ट कर दिया, सारा नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया, फिर वो बैंगलोर आ गया, फिर यहाँ पे तो बिरयानी उसकी वन ऑफ द फेवरेट हो गई। अगर नॉनवेज अगर नहीं खा रहा होता, जैसे कि सभी गुजराती नहीं खाते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं नॉनवेज छोड़ देती शादी के बाद, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, मैं कोई भी इस तरीके का चेंजेस अपने अंदर नहीं लाती जो बचपन से मेरे साथ है। पर हमें फिर सोचना पड़ता कि हम कहाँ खाने के लिए जाएंगे और घर में कैसे नॉनवेज बनाया जाएगा, फिर मुश्किल तो होती है ऑब्वियसली, एक आदमी के लिए खाना बनाना नॉनवेज अलग, फिर एक के लिए वेज बनाना। पर हाँ, थैंकफुली अंगद खाता है और मुझे कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, या मेरे इन-लॉज आते हैं तो हम बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता कि वेज मंगाए नॉनवेज मंगाए। अच्छा, एक बात के बारे में और बोल दो, क्योंकि मैंने नॉनवेज के बारे में यहाँ पे बात करी है, डिटेल में बात करी है, तो कुछ ऐसे भी कमेंट्स है जो आ सकते हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब भी एज अ ब्लॉगर हम कोई भी टॉपिक पे बात करते हैं डिटेल में, तो हमें आइडिया पहले से होता है कि किस टाइप के कमेंट्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे पता है ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप ये क्यों खाते हो, कि ऐसे आते ही रहे हमेशा से। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस व्लॉग में मैंने शेयर किया है कि मैं नॉनवेज क्यों खाती हूं और अंगद नॉनवेज क्यों खाता है। ये व्लॉग बिल्कुल इस बारे में नहीं है कि नॉनवेज खाना अच्छी बात है और आपको नॉनवेज खाना ही चाहिए। तो जब मैं इस बारे में कोई डिटेल में चर्चा कर ही नहीं रही हूं, मैं आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने की बिल्कुल ट्राई नहीं कर रही हूं कि सब लोग जो नहीं खाते खाने लग जाओ। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, बी माइंडफुल, कि किसी के फूड चॉइसेस को खराब बोलने से फूड चॉइसेस उनके चेंज नहीं होने वाले हैं, वो जो खाते आ रहे हैं वही खाएंगे, और अगर चेंज करना होगा तो वो अपने विल पे करेंगे। कमेंट में हेट्रेड फैलाने से कोई भी अपने जीवन का कोई भी पहलू को चेंज नहीं करता। स्वीट क्रेविंग्स अंगद को हो रही है, तो देखिए इसका हेल्दी ऑप्शन घर में रखने का कितना फायदा है। कुछ और खाने से अच्छा है कि एप्रिकॉट खाइए। मुझे ड्राइड वाला भी अच्छा लगता है, ये वाला भी अच्छा। ड्राइड वाला, ये ड्राइड नहीं है, नहीं, ये ड्राइड।
तो मैंने ड्राइड वाला टेस्ट नहीं किया। अच्छा वो जो क्या बोलते हैं उसको, जरदालू बोलते हैं गुजरात में, तो पता नहीं। मैं कि छुहाड़ा को बोल रहे हो तुम, सीड भी आता है अंगर, वो छुहाड़ा होता है वो। छुहाड़ा तो ये हो गया ना तुम्हारा, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खजूर को ड्राई करके रखा। अरे हाँ हाँ, करे करे। आज खाने में हमारे घर में रोटी भी बन रहा है दिन में और राइस भी बन रहा है। वैसे मोस्टली हम लोग रोटी रात में खाते हैं। ये देखो और अंगद की रोटी देखिए कितनी गोल है। एक्चुअली अंगद बहुत ही अच्छा रोटी बनाता है और इनफैक्ट ये पनीर पराठा भी बना सकता है, अंडा पराठा भी बना सकता है। तो हमारा बच्चा बहुत टैलेंटेड है। प्रो। और एक और चीज है जिसमें अंगद प्रो है, टैलेंटेड है, और वो है कपड़ों के सिलेक्शन में। तो आपने बहुत तरह के सिलेक्शन देखे होंगे जहां पे नीचे पहना जाता है ग्रे पैंट और ऊपर इस तरह का प्रिंटेड टी शर्ट। लेकिन दोस्तों फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं प्रिंट पे प्रिंट पहना गया है। और इसका रीजन कोई फैशन सेंस नहीं है, इसका रीजन है आलस्य। क्योंकि ऊपर में ही ये टी शर्ट था और ऊपर में ही ये पैंट होगा। yes. दोनों का कॉम्बिनेशन उठा के अंगद जी घर में पहन चुके हैं। व्हाइट एंड व्हाइट क्यों लोग नहीं पहनते, जितेंद्र को नहीं देखी होगी। व्हाइट और व्हाइट पहनते हैं, शूज भी व्हाइट पहनते हैं, पहनते हैं पहनते हैं डेफिनेटली। लेकिन प्रिंट पे प्रिंट तो डस नॉट मैटर, दिस इज न्यू स्टाइल, न्यू एज, न्यू स्टाइल, यू डिफाइन योर ओन स्टाइल। ओह ये बात तो सही है। फटाफट मेरा यहाँ पे सब्जी भी हो जाएगा, बीच में बंद हो गया था ना ये काम तो अटक गया, और राइस भी उधर में बन रहा है। तो आज रोटी राइस दोनों है लंच। घर का काम ना कभी खत्म नहीं होने वाला। देखिए आज फैन का काम किया है और वापस ला करके जब छाड़ने के लिए जाती हूँ और गीजर का स्विच ऑन किया ना तो एमसीबी बॉक्स ट्रिप हो गया। एक बार किया, दो बार किया, दोनों बार ट्रिप हो गया। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम गीजर में आ गई है। अभी इलेक्ट्रिशियन आया था ना तो उसने गीजर चेक किया तो इसके अंदर में एक्चुअली गीजर है। और यहीं से देखिए वायर से हम लोगों ने ये वाली लाइट भी हैंग की हुई है। और साथ ही साथ में ये जो देख रहे हो ना आप, ये मोशन सेंसर है। तो यहाँ की जो बड़ी लाइट्स है ना, ये वाली जो अभी ऑन नहीं है, बाहर से मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, तो वो मोशन सेंसर से चलती है। वो है और ये है उसका डिवाइस। तो इससे ये मोशन सेंस करता है और ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर देता है। फिर बाहर से अगर आप स्विच ऑफ कर दो तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये भी इसके अंदर से आ रहा है। और बाकी भी वायर्स आप देख रहे हो ना, तो फॉल सीलिंग के अंदर में इस तरीके से सारे वायर्स आपके आ जाते हैं। तो कुछ भी रिपेयर करना हो तो ईजी हो, चाहे इसमें करना हो, गीजर में करना हो, और सब कुछ अंदर छुट भी जाते हैं। तो अभी वो गया है बोल के कि नहीं हो पाएगा उससे, और आपको गीजर वाले को बुलाना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं है। और आज का मौसम देखिए, दोपहर के अभी बज रहे हैं 3, पर कोई नहीं बोलेगा 3 बज रहे हैं। एकदम ही मौसम ऐसा है ना, पिकनिक वाला मौसम है, या फिर होता है ना शॉपिंग करने जाना होता है दिन में कभी कभी, जैसे कमर्शियल स्ट्रीट हो गया वो सब एरिया, वैसा वाला मौसम हो रखा है। या तो फिर संडे है, कुछ नहीं करना, बाहर नहीं जाना, तो सो जाइए मजे से। सोने में भी ये मौसम बहुत हेल्प करेगा।